हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आज के इस वीडियो में दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आज है इसका लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 को हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन से स्टार्ट, ताकि प्रीवियस वीडियो में जो भी चीज़ें अपन ने पढ़ी वो एक बार दोबारा से रिवाइज हो सके और हमारी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी हो सके, जिसे आने वाली एग्जाम्स में हम एग्जाम्स को फोड़ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आखिर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें अंजाम देना है। तो देखो बेटा, अपन को बोला गया है सबसे पहले चीज़ तो एक रिएक्शन बोली गई है कि ट्वाइस N2O5 और इस रिएक्शन से एज प्रोडक्ट बन रहा है 4NO2+O2। ये दोनों आपको दिख रहा है कि गैस अवस्था में नॉर्मली पाई जाती है। तो क्या बन रहा है, देख लो आप कि ट्वाइस N2O5, इधर देखिए ट्वाइस N2O5 से बन रहा है 4NO2+O2। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है और इसके लिए आपको बोला गया है कि इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, ठीक है, जो रिएक्शन आपको बोला गया है तो इसमें क्या हो रहा है कि जो NO2 है इस NO2 का अपीयरेंस जो होता है वो कितना है, रेट ऑफ अपीयरेंस कितना है, 2 mol/L/s है। तो आपको फाइंड करना है प्यारे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो देखते हैं पूरा का पूरा माजरा क्या है और ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, किस प्रकार से हमको इन सब को हल करना है। सबसे पहली चीज़ तो कि केमिकल काइनेटिक्स कब लगाते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस या किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। अपन क्या करते हैं, हम केमिकल काइनेटिक्स लगाते हैं जो कि हमें बताती है आम तौर पे कि जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं, जो केमिकल प्रोसेस हम करवा रहे हैं वो किस रेट से होगा, ठीक है, वो कब शुरू होगा, फिर शुरू होने के बाद वो कितना परसेंट होने में कितना टाइम लगेगा, उसका रेट या उसका वेग कितना होगा। तो वेग या रेट से रिलेटेड जो भी बातें अपन केमिकल काइनेटिक्स में हल करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ये वाला रिएक्टेंट है N2O5, एक रिएक्टेंट है जिससे ये दो प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको बता कि ये तो ऑलरेडी रिएक्टेंट है तो अपन को दिखेगा अपीयर है, लेकिन कौन सी चीज ऐसी है जो रिएक्शन के बाद अपीयर होना स्टार्ट होगी। तो आपको जो है ऑब्वियसली बात आपको बता होगा कि जो प्रोडक्ट है वो ही क्या होता है, बाद में धीरे धीरे अपीयर होना शुरू होता है। तो आपको बोला गया है कि अपीयरेंस ऑफ NO2, कि जो NO2 है इसके अपीयर होने की जो रेट है, अपीयर होने की जो रेट है कि वो किस रेट से धीरे धीरे अपीयर हो रहा है, धीरे धीरे वो दिखना शुरू हो रहा है एज ए प्रोडक्ट के रूप में, तो वो कितना है, 2 mol/L/s। 2 mol/L/s का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में 1 सेकंड टाइम में 2 mol जो है वो क्या हो रहे, अपीयर हो रहे हैं किसके, NO2 के, जो कि प्रोडक्ट है किसका बन रहा है, प्रोडक्ट N2O5 का जो रिएक्टेंट है उसका प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। आपको बोला गया है रेट ऑफ रिएक्शन कि ओवरऑल जो पूरी की पूरी रिएक्शन हो रही है इसकी रेट सेम होगी, तो वो रेट आपको निकालनी है कि इसकी रेट, ठीक है, रेट की बात करें तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको निकालनी है। दूसरी चीज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब देखो इधर डिसअपीयरेंस क्या होता है, इधर देखिए आप कि यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट है, यहाँ पर है दो प्रोडक्ट बन रहे, इसका मतलब एक रिएक्टेंट से आपके पास दो प्रोडक्ट बन रहे। तो आपको पता है डिसअपीयर कौन सी चीज़ डिसअपीयर होगी, जो पहले अपीयर थी, अपीयर कौन था, पहले रिएक्टेंट था, इसका मतलब जो रिएक्टेंट पहले अपीयर था, दिख रहा था, अब वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा, उसका धीरे धीरे विघटन हो रहा, वो डिकम्पोज होके क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। तो किस रेट से ये डिकम्पोज हो रहा है, किस रेट से ये डिसअपीयर हो रहा है, तो वो हमें ज्ञात करनी है दूसरे क्वेश्चन के पार्ट के रूप में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना होता है। सबसे पहली चीज़ तो आपको देखना होता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस प्रकार से हम लिखते हैं। इधर देखिए आप, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है किसके, जो सभी रिएक्टेंट होते हैं और सभी प्रोडक्ट हैं उनको इस प्रकार से जब अपन आगे लिखेंगे उसके हिसाब से। देखो सबसे पहले रिएक्टेंट है क्या, N2O5 है, तो इसके आगे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी कि जो भी मोल्स के नंबर लिखे गए उनको 1 के बाई में आपको लिखना है, और यदि ये रिएक्टेंट है तो आपको चिन्ह लगाना है इसके आगे माइनस का, अदरवाइज आपको चिन्ह लगाना है प्लस का। तो आपने लिखा माइनस का 1/2, उसके बाद आप लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2O5 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आपने लिख दिया।
तो इसकी रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। देखो रेट का मतलब ही क्या होता है कि जो एक प्रॉपर आपको टाइम दिया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जो है वो अपीयर हो रही है या डिसअपीयर हो रही है, उसमें कितना चेंज हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात, ऑब्वियस बात है कि टाइम को तो रेस्पेक्ट में लेना ही पड़ेगा कि कितने टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, अब देखो आगे दोबारा से प्रोडक्ट, तो सभी चीज़ सारी की सारी जो रिटेंट होते हैं या प्रोडक्ट तो उनकी रेट आपस में बिल्कुल बराबर होती है। इसको भी सेम टू सेम कैसे लिखेंगे, 1/4। और जो भी प्रोडक्ट है उनकी स्टाइग्योमेट्रिक कोफिशियंट के आगे हमको प्लस का चिन्ह ही लगाना है या फिर उनके आगे अपन को माइनस चिन्ह लगाना नहीं है। उसके आगे फिर आप लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉरी चेंज के लिए आपको यहाँ पर डेल्टा का साइन यूज करना है। ठीक है, किसमें, रेट ऑफ जो आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसके लिए। तो यहाँ पर हम आम तौर पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ते हैं, बाकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी आती है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड, यानी कि जो टाइम है बिल्कुल टाइम पीरियड बहुत छोटा हो तो उसके लिए अपन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन नॉर्मल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है अपन को ज्ञात करनी है इस रिएक्शन की। तो इसके लिए आप इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लिख रहे हैं प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा प्रोडक्ट, NO2। उसके लिए आपने सबसे पहले इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के बाई में लिखा, फिर आप लिख रहे हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NO2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या आपने यहां पे लिखा। उसके आगे जो इक्वल होगा, ये भी प्रोडक्ट ही है ऑक्सीजन, तो 1, ठीक है, सॉरी 1/1 ही होगा क्योंकि कोई भी इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे इसके सामने नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब आप आगे लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट O2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये चीजें आपने यहां पे लिखी। अब देखो आगे चलते क्या है, हमको कौन कौन सी चीज दी गई है और क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये यह आप यहां पे क्या कर रहे हो, इसका सॉल्यूशन कर रहे हो। हाँ, आपको बोला गया है क्या कि रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर NO2 की रेट ऑफ अपीयरेंस कितनी दे रखी, 2 mol/L। अब देखो इधर रेट ऑफ अपीयरेंस को किस प्रकार से लिखते हैं, वो लिखते हैं अपन, देखो इधर मोड के अंदर, किसके मोड के अंदर अपन लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, जो देखो इधर अपीयर कौन रहा, प्रोडक्ट हो रहा, तो प्रोडक्ट कौन सा है, NO2 या आपने इधर लिखा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसको मोड के रूप में लिखते हो तो ये क्या है, रेट ऑफ क्या होती है, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो इसको ROA से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका, प्रोडक्ट NO2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपको ऑलरेडी दे रखा है, रेट ऑफ जो अपीयरेंस है ये दे रखा, तो मैं इसका मान जो है, इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। आपको तो याद रखना है कि रेट ऑफ अपीयरेंस इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो भैया, मोड का मतलब होता है कि जो वैल्यू आएगी वो चाहे माइनस में आए प्लस में आए, लेकिन हमें उसको वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव मानना है। क्या मानना है, पॉजिटिव या प्लस का मानना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, मोड का मतलब यही है। ठीक है, और दूसरी चीज रेट ऑफ रिएक्शन में और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहां पर आपको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट काम में नहीं लेना। तो आपको दे रखा है 2 mol/L/s, तो आप लिख दो 2 mol, नीचे है लीटर और सेकंड, तो नीचे लिखोगे तो आप यूनिवर्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपको दे रखा है। अब आप इधर देखिए कि यहां पर देखो दोनों में ये वाली चीज और इसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन है कि मैं क्या करूं इस रिएक्शन में, चाहो तो आप इस पूरी को एक रिएक्शन मान लो और एक मान लो और इसको 2 मान लो, तो आप चाहो तो क्या करोगे कि रिएक्शन 1 में देखो इधर जो ये वाला प्रोसेस है, जो ये वाला पार्ट है, इसमें डेल्टा NO2 यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इतने थे पार्ट की जगह आप इसका मान 2 पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे देखो इधर by equation 1 और 2, ठीक है, तो क्या हो रहा है इधर देखो आप लिखोगे 1/4 इंटू यहाँ पे डेल्टा NO2 बाई डेल्टा t की जगह आप क्या लिख रहे हो, 2 जो है वो पुट कर रहे हो, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके रेट ऑफ
रिएक्शन की, क्योंकि ये पूरे का पूरा मान है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के है। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। तो अपन को ये वाला पार्ट इसमें मैच हो रहा, तो अपन ये वाला यूज कर रहे हैं। इसमें आपने इस पार्ट की जगह आपने उसका वैल्यू 2 पुट किया, बाकी 1/4 की जगह 1/4 है। और क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपन पॉजिटिव ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से 2, सॉरी ये कट गया, तो कितना आ गया 1/2। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास ऑलरेडी आ चुका है 1/2, और रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट सेम ही होता है, मोल लीटर यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स। तो ये तो हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की हाफ मोल, ठीक है, हाफ मोल लीटर यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स। तो देखो हाफ मोल ऐसे हाफ मोल होता नहीं है कि आधा मोल पहले बन रहा है, ऐसा नहीं होता, ये टाइम लेगा, यानी पूरा मोल बनने में। फिर यहाँ पर देखो 1 सेकंड में ले रहा, तो फिर टाइम डबल होने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा मोल बन जाएगा। तो इसे हाफ तो सिर्फ ये वैल्यू दिखा रहा है पर सेकंड की, ओके, बाकी ऐसे हाफ मोल होता नहीं है। आप सोचोगे कि हाफ एटम वगैरह ऐसी चीज़ें वास्तव में होती नहीं है, ऐसी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जो केमिस्ट्री है उसमें एज्यूम की जाती है। क्या की जाती है, एज्यूम की जाती है, उनको सिर्फ माना जाता है। हाँ, अब देखो दूसरी चीज़ के ऊपर चलते हैं, उसके पहले आपने ये वाली चीज़ें नहीं उतारी, आपने ये वाली चीज़ें राइट नहीं की, तो सबसे पहले आप इनको राइट कर लें। अब देखो दूसरे नंबर के ऊपर हमको क्या बोला गया है कि आपको सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 जो है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना, आप उसको आपको उसका वैल्यू जो है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे अपन, देखो सबसे पहली चीज़ तो आप समझिए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। तो किसी भी चीज़ के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप समझिए इधर, कि सबसे पहली चीज़ तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट का निकाला जाता है, वो भी किसकी इक्वल होगा, मोड के अंदर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ गिवन रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यही होता है, यानी कि आपको सेम टू सेम बस वही आपको रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू पुट करना है, बाकी पॉजिटिव होगा सब कुछ, और आगे आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज में नहीं लेना, ये चीज़ आपको बोली गई है। इधर देखो आप, इसका मतलब जो आप ये वाली चीज़ और सेम टू सेम ये वाली चीज़ दोनों कॉमन है। कॉमन क्यों है, क्योंकि जब भी अपन ने जस्ट अभी निकाला कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा था, 1/2 आ रहा था, 1/2 मोल लीटर यूनिट सेकंड यूनिट, तो इसका मान भी 1/2 ही होगा। कितना होगा, 1/2 ही होगा। लेकिन देखो इधर 1/2 मान इस पूरे का है, अपन को निकालना है सिर्फ इतने ते का मान, ये चाहिए ना अपन। तो आप क्या करोगे, देखो इधर रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ ये तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है कि इधर देखो इधर माइनस का 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो इधर रेट ऑफ रिएक्शन हमको कितनी दे रखी है, ऊपर में लिख रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन अपन को 1/2 दे रखी है, इधर ऑलरेडी माइनस का 1/2 है, फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका है, N2O5 है, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम में है। 1/2 से 1/2 कट गया, हालांकि देखा जाए तो ये मान माइनस का आएगा, लेकिन मैंने बोला क्योंकि मोड लगा हुआ है, इसको आप मोड में पुट करोगे तो वैल्यू प्लस की ही रहेगी। इसका मतलब रेट ऑफ यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका पूरे का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ये वाला आप लिख दोगे N2O5 इज इक्वल टू होगा 1, और यूनिट सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, यूनिट मोल लीटर यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को समझना था। सबसे पहली चीज़ आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, आपको नहीं पता है तो आप लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, और पहले वीडियो की लिंक आपको उधर को मिल जाएगी, जाके आप वो वीडियो देख ले, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें काफ़ी नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो ये वाला आप राइट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही था कि एक तो होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होती है दूसरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कि जब आपको ज्ञात करना हो बिल्कुल ही एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसके लिए फिर हम काम में लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए समझते हैं इस टर्म को, कौन से टर्म को, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन
देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है तात्कालिक या फिर तात्क्षणिक या फिर बिल्कुल एक दो पलों के लिए होने वाली कोई भी चीज़। लेकिन केमिस्ट्री में क्योंकि एक दो पल भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो अपन अपनी नॉर्मल जो है भाषा में इंडिविजुअल लैंग्वेज में अपन इसी बात करते हैं, बाकी चीज़ें माइक्रो सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड में, इस प्रकार से चला करती है। तो देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि जो आपका टाइम है, जो डेल्टा टी है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा, इतना छोटा है कि वो जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो की ओर बढ़ रहा है या फिर जीरो के काफ़ी करीब है। तो यहाँ पर क्या किया करेंगे अपन, जब भी कोई चीज़ बहुत छोटी हो तो फिर अपन डेल्टा के बजाय यूज में लेने लग जाते हैं साइन ऑफ डी का। तो जहाँ जहाँ पर अभी आपने रेट लिखी थी, अपन एक जो रिएक्शन वाली रेट देखी थी ना ऊपर, तो उसमें आपने डेल्टा के साइन की जगह भी किसका साइन लगा लेना है, डी का साइन लगा लेना है। जैसे एक रिएक्शन में इधर लिख रहा हूँ, टू ए प्लस थ्री बी से बन रहा है जी 4C, ये बन रहा है। तो इस रिएक्शन की आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कई बार उनसे लिखवा लिया जाता है, तो अपन लिख के देखते हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे। आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए, और कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस। तो मैं इसको लिख रहा हूँ INST, शॉर्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और जी किसके इक्वल होगा ये, सबसे पहले वही आप लिखोगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट, ठीक है, जो किसके साथ लगा हुआ है, वो लगा हुआ है रिएक्टेंट, तो मैं इसका साइन लगा देना रिएक्टेंट के लिए। और फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। हाँ, और आगे ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा दूसरे रिएक्टेंट के लिए, यानी कि -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ जी सॉरी सॉरी, यहाँ पे डी लगाना है ना अभी, हाँ dA/dt, कौन सी चीज़ अपन काम में लेंगे यहाँ पे, dA/dt। तो -1/2 dA/dt इधर हो गया माइनस का, हाँ जी dB/dt, ये वाली चीज़ काम में लेनी है, वही सेम टू सेम रहेगा। प्रोडक्ट के लिए आप लिखोगे 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन या स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना होता है यदि रेट ऑफ रिएक्शन आपको काफ़ी लिमिटेड या फिर बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए दी गई हो, तो फिर उसको आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले राइट कर लो। तो अब लगभग मेरे विचार से आपका रेट ऑफ रिएक्शन का मैटर क्लोज हो ही चुका है, बाकी क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो अपन और देखते चलेंगे साथ साथ में, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो सभी में इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको उतने ज़्यादा बनाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है प्यारे बच्चों, वो है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन देखते हैं जो अपन रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी उसके लिए। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आपको बता दें सबसे पहले अपन ग्राफ खींचते हैं रिएक्टेंट, जैसे कोई भी आप रिएक्शन ले लो, सेम टू सेम वही ले लो आप, 2A+3B से इधर बन रहा है 4C, तो कोई भी आप रिएक्शन ले लो, आपको सबसे पहले रिएक्टेंट और इधर टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम सेकंड में ही लेना है। ठीक है, ग्राफ खींचोगे तो आप देखो कैसा ग्राफ आना चाहिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी, तो आपको पता है रिएक्टेंट पहले ज़्यादा होता है क्रियाकारक, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ रिएक्शन होती जाती है तो वो रिएक्टेंट कम होता जाता है, यानी उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब पहले कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी खासी थी, हाई लेवल पर थी, लेकिन अभी टाइम के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना कम हो जाती है और बिल्कुल एक जगह स्टेबल हो जाती है, यानी ग्राफ को बिल्कुल नीचे नहीं ले जा रहे अपन को, बिल्कुल लाने के बाद, वक्र में लाने के बाद इसको आपको सीधा कर देना है। ऐसा आम तौर पे होता है, ठीक है, कि कोई भी रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। ठीक है, हाँ कुछ रिएक्शंस हो सकती है एक्सेप्शन के तौर पे जो पूरी की पूरी चेंज हो जाए, बाकी आमतौर पर रिएक्शंस जो है वो पूरी 100% प्रोडक्ट में चेंज नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देखो इधर ग्राफ आप खींचना चाहो प्रोडक्ट के बीच, और इधर आप ले लो प्रोडक्ट और इधर है वही टाइम सेकंड में,
देखो धीरे धीरे जब भी क्या होता है, जब भी क्या होता है कि टाइम बढ़ता है तो प्रोडक्ट भी धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और पहले तो क्या होता है वो बढ़ता जाता है और एक टाइम के बाद वो भी बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। स्टेबल क्यों होता है, जब रिएक्टेंट लास्ट में स्टेबल हो सकता है तो प्रोडक्ट भी तो स्टेबल होगा ना, ठीक है। जिसको आप क्या बोलते हैं, उसको साम्यावस्थापन बोलते हैं, जिसके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक कौन सी चीज़ देखते हैं, जो हाँ ग्राफ का स्लोप देखते हैं। सबसे पहले स्लोप की बात करें तो देखिए, तो जैसे यहाँ से इसका स्लोप देखते हैं, यहाँ पर ही तो आप वक्र से खींचोगे ना स्लोप, और इसके लिए आप स्लोप देखना चाहो तो यहाँ पर आप इसका स्लोप देखो, इधर पूरी ग्राफ बनाते हैं कितना इसमें स्लोप आ रहा है, वक्र कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइन खींचते हैं, और यहाँ पर आपको दिया हुआ, यहाँ पे आपको थीटा का मान दिया मिलेगा, और इसमें बात की जाए तो यहाँ पर देखो इधर, और इसमें आपको थीटा लेना है काम में, ये। तो यहाँ पर आप देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको स्लोप देखना है। स्लोप के लिए आपने पहले वक्र से लाइन खींच ली, बिल्कुल सीधी लाइन आपने खींच ली, और लाइन के बाद आप देखोगे कि जो भी पॉजिटिव साइड है उस पॉजिटिव साइड वाले थीटा को ही आपको काम में लेना है जब भी आप स्लोप निकालोगे, ठीक है। अभी विस्तार से अपन देखेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पर भी पॉजिटिव ये वाली डायरेक्शन है, एक्स एक्स वाली है, तो यहाँ पर ये थीटा आपको हमेशा काम में लेना है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव एक्सेस की ओर बढ़ रहे अक्ष वाला ही थीटा अपन को मानना है। जैसे आपको यहाँ पर देखो इधर, जैसे ये वाला थीटा का मान दे रखा है, तो आपको ये नहीं मानना, आपको ये वाला लेना है 180 में से, बाकी ये वाला घटा के आपको ये वाला थीटा का मान लेना है। तो देखो स्लोप क्या होती है, इसकी स्लोप हो जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू होता आपका क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा कौन सा काम में लेना है, ये वाला। इसकी स्लोप देखना चाहिए तो सेम टू सेम हो जाएगी स्लोप, हाँ रिएक्टेंट ले रहे हो ना, जैसे आप ले लो रिएक्टेंट ए वाला ले लो, कंसंट्रेशन ए की, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सी की ले लो, वो किसका हो जाएगा आप डी सी बाई डी टी, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर ही रहा है आपको पता है, तो यहाँ पर भी अपन ब्रेकेट लगा देते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी बाई डी टी इज इक्वल होगा वही टेन थीटा के। थीटा का मान इसमें कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, ना कि ये वाला या फिर इधर कोई भी दे, तो आपको हमेशा एक्स एक्स वाला पॉजिटिव वाला आपको हमेशा लेना है। तो थीटा का मान आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, यानी कि यहाँ पर आपको ये वाला मान नहीं लेना, क्योंकि ये तो माइनस की ओर जा रहा है, आपको लेना है यहाँ से। ओके, ये बात हो गई ग्राफ और ग्राफ के स्लोप्स की, तो इनको भी आप राइट कर लो एक बार के लिए। तो अब यहाँ पर अपन ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि ग्राफ के क्वेश्चन आए तो उनको किस प्रकार से हल करना। आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक रिएक्शन है कि N2+3H2 से बन रहा है रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में ट्वाइस NH3। आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखो आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको देखो कि जब भी टाइम 2 सेकेंड था उस वक्त इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 मोल लीटर थी, रिएक्टेंट H2 की कंसंट्रेशन 10 मोल लीटर थी, लेकिन टाइम 4 सेकंड के ऊपर ये कंसंट्रेशन 10 से कितनी हो चुकी है, 6 मोल प्रति लीटर हो चुकी है, ये कंसंट्रेशन की बात हो रही है। आपको पता है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो DA, कि जब भी ग्राफ की क्वेश्चन हो, जब भी ग्राफ की क्वेश्चन हो तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है, वो होती है डी ए बाई डी टी के, और यहाँ पर डी ए के बजाय क्या हो जाएगा, एच टू हो जाएगा, तो डी एच टू बाई डी टी के, ठीक है, डी एच टू बाई डी टी के इक्वल यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप इधर डी की जगह डी आप रख लो एच टू, ठीक है। डी एच टू का मतलब क्या होता है भाई, डी एच टू का मतलब ये हुआ कि चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ H2 की कंसंट्रेशन के ऊपर, देखो इधर 2 सेकंड के ऊपर 10 था, फिर 4 सेकंड के ऊपर 6 ही बचा, यानी कि 6 में से क्या घटाओगे आप, 10 घटाओगे ना, इसका मतलब आप देखो इधर 6 माइनस का 10, क्योंकि लास्ट में 6 बच रहा है ना कि फर्स्ट टाइम बच रहा है, 4 सेकंड के ऊपर 6 बचा है, तो 6 माइनस 10, और नीचे डी टी का मान, टाइम का मान कितना बचा, टाइम कितना है, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा,
ठीक है, तो इसको डी को अब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगी इधर देख लो आप, माइनस का 4/2 यानी कि माइनस का 2, कितना हो जाएगा माइनस का 2 मोल लीटर यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स, ये इसका हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 की बात करें तो किस प्रकार से आप लिखोगे, देखो इधर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहिए अपन N2 के हिसाब से, यहाँ पर आप देखो तो क्या लिखोगे आप, 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये लिखना चाहेंगे। लेकिन डिसअपीयरेंस, ठीक है, जो कितना है रेट ऑफ ये रिएक्शन है, कितना भी निकालना आपने, माइनस का 2 है, आपको तो सिर्फ क्या चाहिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस चाहिए ना, यानी कि सबका मोड हो जाएगा, प्लस में लेना है सब कुछ, तो ये किसका हो जाएगा, इसका वैल्यू देखो इधर मोड लगाने के बाद सेम टू सेम ये, कोई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट है नहीं, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2 मोल लीटर यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस। तो आप इसे राइट कीजिए और राइट करने के बाद बाकी की जो भी चीज़ें हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अपनी मेहनत को, अपनी जर्नी को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप तय करते रहिए, दूसरों के भरोसे मत छोड़िए। दूसरे सिर्फ आपका मजाक बना सकते हैं, आपकी असफलता का मजाक बना सकते हैं, आपकी इमोशंस का मजाक बना सकते हैं। इसी सूरत हाल के लिए एक शेर आपको सुनाता हूँ गालिब का, ठीक है, ताकि आपका मन भी लगा रहे, कि आता है कौन कौन तेरे गम को बांटने ए गालिब, तू अपनी मौत की अफवाह तो उड़ा के देख। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।